प्लान तो है लेकिन मतलब उसको बनाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास ख्याल से। मैं मतलब सिनेमा को LGBT में सीमित नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि कशिश एक ह्यूमन राइट्स फेस्टिवल है, एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोगों को समान रूप से जो अधिकार मिलने चाहिए उस पर जो फिल्म्स हैं वो दिखाई जाती है कशिश में। जैसे कुछ साल पहले हमने शाहिद दिखाई था जी, तो वो LGBT फिल्म नहीं है, वो एक ह्यूमन राइट्स फिल्म है। तो वही है कि भाई हम के मार्जिनलाइज्ड जो होते हैं उनका उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उनको कभी आप दलित कहते हो, कभी आप मुस्लिम कहते हो, कभी आप LGBT कहते हो, कभी आप ट्रांसजेंडर कहते हो, वो नाम है लेकिन असलियत यह है कि लोगों को मार्जिनलाइज किया जाता है और उन पर जो सिनेमा बनता है वो हमें अक्सर कशिश में देखने मिलता है बहुत फोकस तरीके से। मैं मानता हूँ जैसे अभी मामी अलीगढ़ मामी की ओपनिंग फिल्म थी, तो मेरा मानना था कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप था कि एक मेजर फिल्म फेस्टिवल एक हिंदुस्तानी फिल्म के साथ ओपन कर रही थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही जो ट्रेडिशन जो है चलता रहेगा। हमें मतलब प्राइड होना चाहिए हमारी अपनी फिल्मों में और मैं उम्मीद करता हूँ कशिश का भी यही होगा। हमें हमारी यहाँ मतलब क्योंकि शायद फीचर फिल्म के रूप में अलीगढ़ था और अलीगढ़ रिलीज़ हो चुकी है, उसकी थिएट्रिकल कमर्शियल रिलीज़ हो चुकी है, तो एक फेस्टिवल को मैं प्रीमियर स्टेटस ना दे सकूँ इसलिए वो शायद इसमें स्क्रीन नहीं कर पाए। कोशिश मैं कहानी कहने की कोशिश करता हूँ, मेरी कहानियों कभी कभी मेरी फिल्मों को अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि अक्सर हमारी जो आम फिल्में हैं उसमें कहानी नहीं होती है, तो क्योंकि कहानियाँ हैं तो इसको आप अलग समझने लगते हो। देखिए मैं एज अ फिल्म मेकर मैं इस बात का दुख नहीं कर सकता हूँ, मैं फिल्म बनाकर पूरी ईमानदारी के साथ फिल्म बनाकर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अगर ऑडियंस नहीं बड़े तादाद में ऑडियंस नहीं जाती थिएटर और फिल्म को बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं देती है तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं पर फिल्म से ज़्यादा ऑडियंस का फेलियर है। बस अभी बहुत जल्द कंगना रनौत के साथ जो फिल्म मेरी शुरू हो रही है सिमरन, वो बहुत जल्द शुरू हो रही है। हर फिल्म से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर फिल्म से कुछ नई सीख मिलती है जो हम अपनी आगे वाली फिल्मों में जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं करते कि भाई ये गलत था शायद ये, तो हम गलतियों से सीखते हैं। इंसान वही है, मतलब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है।